Hi everyone, this is Hani Amir, and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. बहुत अच्छा हो गया। अब आप ऐसा कीजिए, खान साहब से कहिए कि सारे शामी कबाब चेक करें, एक बराबर हो और मुर्ग मुसल्लम की टांग इधर उधर न जा रही हो, वरना हम उनकी छुट्टी कर देंगे। आप जाइए, खुद जाके नजर रखिए। आदाब पुप्पी साहब। आदाब। आप आ गई? हमने आपसे कहा था हम जल्दी आ जाएंगे। ये कहाँ है सब लोग? अरे पुप्पी साहब, आप जानती हैं लड़कियों का मामला है, भागती फिर रही है, कोई उधर भाग रही है, कोई इधर भाग रही है, पूरे घर में भागती फिर रही है। रुको रुको रुको, ये क्या कपड़े हैं? हमें लगता है इनके साथ बाजार हमें जाना पड़ेगा। उफो, आप तो जाइए, ये दिखाइए। हाँ, दानीन से कहिए ये पहन के आ जाए। वो तो घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? बेटा आप जाएं, आप देखें। एक्चुअली आपको पता है इतना बड़ा घर है, कहीं होगी इधर उधर, ऐसी क्या बैठी है ये? आ जाइए अभी। आप फूफी साहब एक काम करें, आप चलें, मैं बहुत दूर से आपको मिलवाऊं, बात करूं। शायद आप भी कमाल करते हैं, बच्ची घर ही पे नहीं है। दानी, आप देख सकते हो? नहीं, वेट करो। वेट क्यों यार? बस तुमने अगर अभी देखा तो मना कर दोगे ना? मना करना होता तो मैं यहाँ लाता क्यों? तुम जानती हो ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि अपने आप को तकलीफ दे रही हो तुम। Trust me, it's gonna be worth it. Done. एक शर्त पे। वो क्या? तुम फ्रीक आउट नहीं करोगे? नहीं कर पाऊंगा। Promise? Promise. What the? ये क्या करवाया तुमने? कमाल है ना? कमाल। ओ भाई, ये क्या किया यार? कहाँ है दानी? वो घर पे थी, किसी काम से गई होगी। काम से? आप लोगों ने उन्हें कोई काम सिखाया है? उन्हें बताया है कि वो किस खानदान की है? फूफी साहब, अगर आपको बुरा लगा है तो हम कुछ नहीं कहते। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे, बिल्कुल चुप रहेंगे हम। सॉरी। आपका क्या काम है? उन पर नजर रखना। आपने नजर रखी उन पे? आप परेशान हो रही हैं, वो थोड़ी देर में आ जाएगी। गलती उनकी नहीं, आपकी है। अगर आपने थोड़े रोब और दबदबे से लड़की को पाला होता तो आज इतनी बिगड़ती ना। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे। ब्यूटीफुल ऑसम कपल लुकिंग यू बोथ टुगेदर। क्या बोला तुमने? I say you are beautiful. You light up my heart like no one else. I am not saying you sing this song for her. A beautiful song for a beautiful girl. वाह छोटू, तू तो अंग्रेजी गाने गा रहा है। ये फूल ले लें। अच्छा, एक बात बताओ, दुआ करोगे हमारे लिए? With my heart and soul, sir. अरे वाह, चल इस बात पे ना, ये सारे फूल दे दे। तो सब आए ने? कोई नहीं, रिलैक्स, कुछ नहीं होता। एक काम करते हैं, तुम यहाँ से नहीं जाना, तुम बैक डोर से जाना,
और मैं ना मैं कुछ भी कर लूंगा। तुम्हारा कुर्ता तो पड़ा है ना गाड़ी में, पहन के आ जाना। हाउ क्यूट, इस टी शर्ट के ऊपर कुर्ता पहन लूंगा और जीन्स और जॉगर तो दादी साहब को नजर नहीं आएंगे। और क्या, तेरे चेहरे से नजर हटती नहीं, पजामा हम क्या देखें। वेरी फन। आया भाई फन। जाओ अंदर। मेरा फोन। हेलो। मेरा फोन। हाँ। ओके बाय। नानी। बैक टू। थैंक यू। उनका इंतजार करते रहे, अब आएंगी दानी तो उन्हें कहिएगा कि बस ऊपर आने की जरूरत नहीं है, रहने दें। दादी साहब, जाहिद आया, आप सब लोगों को ऊपर बुला रहे हैं। अच्छा, मुमताज, अरीश कहाँ है? जी जी दादी साहब, ये रहा। अरीश, ये क्या है, कैसे शॉल ओढ़ी हुई आपने? फैशन है। फैशन, उतारिए इसे, हम ठीक करते हैं। अब ये भी हम सिखाएंगे कि आप शॉल कैसे ओढ़ेंगे। ये कीजिए सर। आपको पता है दानीन कहाँ? नहीं, मुझे तो नहीं पता। जाहिद को भी पता चलेगा कि बेटियां कैसे पालती। दादी साहब, मैं दो मिनट में नीचे से आई। अब आप कहाँ जा रही हैं? दो मिनट में आऊंगी दादी। उफ़, एक तो ये लड़कियां, चलिए हम तो चलें। देर हो गई वैसे। चलें, बहुत देर हो गई है। जल्दी करो ना, अभी तो दादी को ये नहीं पता कि तुम बाहर से आ रही हो। पता चल गया ना तो फिर देखना। ठीक कहा दादू, मरवाओगी तो नहीं? मरवाना होता ना तो ऊपरी दादी के हवाले कर देती। ये क्या हुआ? हुआ नहीं, करवाया है। क्या? टैटू। अल्लाह, दानीन, दादी की नजर पड़ गई ना तो कत्ल कर देगी। तो करने दो, अब तो जो होना था हो गया, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। इतनी डांट खाती हो लेकिन फिर भी ये सब करती हो। नहीं, क्या करो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम्हें डांटती हैं। ऐसा क्या कर दिया मैंने? टैटू ही तो कराया, वो भी अपने हाथ में, किसी और का हाथ थोड़ी कराया। मुझे तुम्हारे लिए डर लगता है। खुश होता, सब सही हो जाए। अब तुम जाओ, मैं कपड़े चेंज करूं। अच्छा चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ, तुम्हारा वेट नहीं करने वाली, जल्दी आ जाना। प्लीज, मैं तो इस फैमिली की नहीं हूँ। आपको हमने बेटी बनाया है, आप हमारी बेटी है, आप इस फैमिली की है और हमेशा रहेंगी। आइए आइए।
शाहीन कहाँ थी आप? बाहर। बाहर का क्या मतलब हुआ? मतलब बाहर? गैर जिम्मेदारी की भी हद होती है। आपको हमने सब जगह ढूंढा, आप यहाँ नहीं थी, कहाँ थी आप? लेकिन मैं टाइम पे तो आ गई थी ना। आप घर पे नहीं थी। लेकिन आपने तो टाइम पे आने का कहा था, ये तो नहीं कहा था घर पे रहना है। आपका फोन क्यों ऑफ था? ऐसे ही? ऐसे ही क्या मतलब? घर से बाहर निकलते हुए फोन ऑन होना चाहिए। ओके। ओके? ओके का क्या मतलब हुआ? अरे ओके का मतलब ओके, ठीक है, मैं आगे से ख्याल रखूंगी। आज शाम आपका फोन ऑफ क्यों था? वो क्योंकि आपने रूल ही अभी बनाया ना फोन ऑन रखने का, तो मुझे शाम को कैसे पता होता? बहुत बहस करती हैं आप। आई एम रियली सॉरी दादी, मुझे प्लीज माफ कर दे। आप प्लीज गुस्सा ना करें, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ना। मैं सबसे माफी मांगती हूँ, मैं अब किसी को परेशान नहीं करूंगी, प्रॉमिस प्रॉमिस। एक तो ये जो आपका बचपना है ना, इसे आपको पीछे छोड़ देना होगा। अपनी कजिन्स को देखिए, कितनी मच्योर और रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप ऐसी ही लाहौली रहेंगी तो कौन अच्छे खानदान का लड़का आपसे शादी करेगा? क्यों, अरीश है ना? अरीश? अरीश कहाँ से आ गया? नहीं मेरा मतलब, आप कह रही थी ना कि कोई अच्छे खानदान का लड़का मुझसे शादी नहीं करेगा, तो बताओ भाई अरीश, मैं तुम्हें कैसी लगती, पसंद हूँ? देखो अब ऐसे ना करो, मेरा केस वीक हो रहा है यहाँ पर। दानीन अच्छी हो तुम? अच्छी या बहुत अच्छी? हाँ बहुत अच्छी हो। इतनी कि तुम मुझसे शादी कर लोगे? दानीन बताओ ना, करोगे शादी? क्यों मेरे बेचारे भाई को आप खुद पोजीशन में डाल रही हो? नहीं नहीं मैं तो अपनी पोजीशन क्लियर कर रही हूँ यार। आप फिक्र ना करें, अगर कोई अच्छे खानदान का लड़का ना मिला तो ये है, कर लेगा मुझसे शादी। मुज़फ़्फ़र चलिए चलिए। मुमताज साहब आप कहाँ जा रही हैं? खाना खा के जाइए। बस बहुत हो गई। तो सुने में नहीं। मुज़फ़्फ़र हरीश आइए। मुमताज मैंने क्या किया? दादी साहब अलग नाराज हैं और आप बात ही नहीं कर रहे। अब हुजूर मैं बहुत थक गया हूँ, अब इजाजत दीजिए मैं चलता हूँ सोने के लिए। बाबा इनफ, शब खैर। अब शब खैर। लेकिन टाइम पे तो आ गई थी ना, कुछ भी कर लो कोई मुझसे खुश ही नहीं होता सिवाय एक के। कौन? हम? बिल्कुल आप नहीं। दादी हुजूर की बातों की वजह से बाबा नाराज हो जाते हैं और बाबा की बातों की वजह से आप नाराज हो जाते हैं मुझसे। मैं तो शामत ही आई रहती है। दानी
कहाँ गई थी बेटा? बताना चाहती हूँ लेकिन नहीं बता सकती। क्यों? बस कुछ वर्दा नशीनों के नाम शामिल है ना बेटा, एक गुजारिश थी हमारी। दादा हजूर गुजारिश? आप हुक्म करें। गुजारिश ही समझो बेटा। जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम ना करना जिससे हमारे खानदान या तुम्हारे बाप की परवरिश पर कोई नाम आए। बाकी लड़कियों से मुख्तलिफ जरूर हूं लेकिन स्टूपिड नहीं। सही और गलत का फर्क पता है मुझे, सब जानती हूँ। मैं कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगी जिसकी वजह से आपकी या बाबा की इज्जत में कोई फर्क है। तुमने खुद ही तो। शब्बा खैर। रुको, मैं आपसे बात नहीं कर रही। आप कैसे कह सकते हैं मेरे बारे में ऐसे? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? क्या मैं आपको ऐसी लड़की लगती हूँ? आपने खुद ही तो कहा है बेटा कि कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। हाँ लेकिन अब ऐसा भी थोड़ी ना है कि वो पर्दा नशीन पर्दे से बाहर निकलने के काबिल ही ना हो। इसलिए आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? चिल करें, रिलैक्स। मैं थोड़ी ना कुछ करने वाली हूँ। कुछ नहीं कर रही मैं, भरोसा रखी मुझ पे, सब ठीक हो जाएगा। आप सो जाए, मैं करीम को भेजती हूँ। बाय बाय। अल्लाह आपको अपने अमान रखे बेटा। जी दादी साहब। बैठिए। क्या हुआ दादी साहब, कोई गलती हो गई? कल जब हमने आपसे कहा था हम सब के साथ ऊपर चले तो आप कहाँ चली गई थी? बाथरूम जाना था। बाथरूम? बाथरूम तो ऊपर भी है। सॉरी दादी साहब, गलती हो गई। हमें पता है अब्दानी इनके पास गई थी। जल्दी जल्दी मेकअप किया और बाल बनाए, मैचिंग चूड़ियां चप्पल कुछ नहीं निकाला था उन्होंने। चले, ये तो अच्छा किया आपने, आपकी वजह से वो वक्त पे ऊपर आ गई। कुछ बताया उन्होंने कि वो कहां गई थी? देखिए, आप नहीं बताएंगी तो सवाए दानीन के और किसी का नुकसान नहीं होगा। भाई साहब ने अपनी बेटी तो खराब कर ही दी, हम जाहिद को दानीन को खराब नहीं करने देंगे। बताइए बताइए कहाँ गई थी? बताना तो पड़ेगा नशवा, अभी नहीं तो घंटे बाद। कहाँ है दानी? किसी ने बताया नहीं कि हम आए? सादिया, कभी तो हंसती मुस्कुराती आ जाया करो। हमारी जिंदगी में हंसना मुस्कुराना कहाँ लिखा है भाई साहब? हमें स्ट्रेस के अलावा मिला ही क्या है? सबको क्या हो गया? पता नहीं, सुबह से गुस्से में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा ने तो कहा था कि सिर्फ दादी आई है, यहाँ पे तो सब आए हैं। वाह, सुबह मिलना रात मिलना जबरदस्त। रिलैक्स करें, इतनी एक्साइटमेंट नहीं अच्छी।
इतने हाइपर होने की जरूरत नहीं है, बैठिए। ओके सॉरी, मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बहुत इत्मीनान पहुंचा आप सबको यहाँ साथ देखकर, आंखों को ठंडक और दिल को सुकून भी। हो गई बदतमीजी? मैंने बदतमीजी तो नहीं की। हाथ दिखाइए। हथेली ने बाजू दिखाइए। बाजू क्यों? इसलिए कि आज हम सबको बताना चाहते हैं जो बात ये लोग मानने को तैयार नहीं। आप लोग इस बच्ची के दुश्मन हैं। आप लोगों ने इस बच्ची को कहीं का नहीं छोड़ा, इसको बेबाक और बदतमीज बना दिया है। क्या हो गया है? अब बस करो, ये हमारी पोती है। जब ही बोल रहे हैं, दिखाएं क्या करवा के आई हैं। ओहो, हुआ क्या है? टैटू बनवा के आई हैं। कैसी बातें कर रही हैं पप्पी साहब? कल जो ये गायब थी घर से, इसी जरूरी काम के लिए गई थी। वो तो 2 घंटे जिरा के बाद मिश्रा के साथ हमने उसके मुंह से निकलवाया ये। दानी, is she right? तुमने टैटू बनवाया? सॉरी। अब आप ऐसा कीजिएगा कि भवें छिदवा के बाली पहन लीजिएगा और फटी जीन्स में घर से बाहर निकल जाइएगा। दिखाइए, दिखाइए टैटू। मैंने मान तो लिया है कि बनवाया है, तो क्यों दिखाऊं मैं अब? दिखाइए, दिखाने के लिए बनाया है ना आपने, तो दिखाइए। क्यों, कोई बेहुदा चीज बनवाई है क्या? नहीं दादी साहब। बस बहुत हो गया, छोड़ दो इसका पीछा। क्यों दुश्मन हो गई हो इसकी? आपको लगता है हम इनके दुश्मन हैं? नहीं, हम इनको और खानदान की सब बच्चियों को बचाना चाहते हैं। एक दाग लग चुका है, दूसरा दाग नहीं लगने देंगे। दिखाओ, दिखाओ, कहाँ है? दिखाओ। बस अब हम नशवा और आनिया को दानीन से नहीं मिलने देंगे। बेवकूफ है। बेवकूफ नहीं, बहुत चालाक है। आप सोचिए हमारे अरीश पे कितना प्रेशर होगा। अरीश भी उसे पसंद करता होगा, जब ही तो उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मुमताज, आप क्या अरीश की दानीन से शादी करना चाहती है? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। ऐसा सोचिएगा भी नहीं। जब अरीश के लिए आनिया मौजूद है तो किसी और का सवाल ही नहीं पैदा होता। हद हो गई, उसका नाम ही खुदवा लिया। बस अब इन बच्चों को हम शेयर कर नहीं जाने देंगे। तो क्या हम अरीश से पूछेंगे भी नहीं? आनिया को हमने पाला है, हमने परवरिश की है उसकी। खूबसूरत है, खूबसूरत है। असल में अरीश को दानीन की मैच्योरिटी क्यूट लगती है अम्मी जान। क्यूट?
क्यूट और इमेच्योर बेटियां अच्छी लगती हैं, बहुएं नहीं। सही कह रही हैं। ये तो नाजिया से भी दो हाथ आगे निकली है, इंतहाई स्पॉइल्ड लड़की है। अभी ये किया है तो पता नहीं बाद में क्या करेगी। आप ये कह रहे हैं गजनफर, हम तो उसे जब देखते हैं हमें अपना वलीद याद आता है। अल्तमिश जैसे ही वापस आएगा हम उससे आनिया का हाथ मांगेंगे और बस निकाह कर देंगे। हम नहीं चाहते कि तारीख अपने आप को दोहराए। वलीद कैसे लग रही हो? अच्छी। अच्छी या बहुत अच्छी? बहुत अच्छी। झूठ। आजम आप बताएं, कपड़े ठीक है मेरे पार्टी के लिए? बस ठीक है। तो फिर जल्दी से उठे, मुझे छोड़ के आए। मैं छोड़ दूं? नहीं नहीं, तुम पढ़ाई करो, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती तुम्हें। ये छोड़ाएंगे और आखिर किस मर्ज के दवाएं? ऐसे तो ना बोल ले, वो भाई के दोस्त है। दोस्त ही है ना, भाई तो नहीं है। खैर चले, आजम उठे चले ना। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बाबा मैं हरीश के बगैर नहीं रह सकती। उससे क्या होता, ये क्या तरीका है? तो तुम समझ रही हो कि फूफी साहब बहुत इंप्रेस होंगी तुम्हारी इस बात से। तो फर्ज करो कि तुम्हारी शादी हरीश से नहीं होती तो इस टैटू का क्या करूंगा? हरीश को पता था तुम उसका नाम लिखवाने गई हो। से जाओ जाओ। बाबा प्लीज प्लीज दानीन गो। अब हुजूर आप देख रहे हैं इस लड़की को, क्या होगा? तुम फिक्र ना करो। मगर अब्बा हुजूर वो लोग तो इसको पसंद भी नहीं करते। उन्हें मसला नाजिया से है, दानीन से नहीं। दादी साहब को मेरी बात समझनी हो तो फिर दादी साहब को जाके बताओ ना। कैसे बताऊं, वो मेरी बात समझेगी तो बताऊंगा ना। उनसे जाके बात करो, जानते हो ना वो चाहती हैं कि तुम्हारी शादी आनिया से हो जाए। पागल होगी हो तुम, बहनों की तरह है वो मेरी। वो ये सब नहीं जानती, वो कहती है की तरह क्या होता है, या बहन होती है या नहीं होती। अगर दानीन के मामले में सीरियस हो तो बताओ, मैं बात कर लूंगी। तो बात करोगी? हाँ। है? सीरियस? पैसे लूंगी। मजाक ना करो यार। सीरियस हूँ मैं भी, बात तो करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। तो ठीक है, मैं मामा से बात कर लेता हूँ। वाह, मामा से नहीं जाके बाबा या दादी से बात करो। यार आई रियली लव हर, तुम्हें पता है ना? पता है ना तुम्हें? मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई भी गलत मूव हो और काम खराब हो जाए। मूव लोगे ही नहीं तो सीन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। क्या करना होगा यार, प्लीज हेल्प मी आउट। सोचती हूँ कुछ। सोच के बताना मुझे। सही। दादी साहब। जी बेटा। कहीं जा रहे हैं आप? जी, हमें देर हो रही है। दो मिनट बात नहीं हो सकती? नहीं, वापस आके बात करेंगे, हम एक मामला सुलझाने जा रहे हैं, आप फिक्र ना करें। मामा कहाँ जा रहे हैं? दानीन की तरफ जा रहे हैं, साहिब भाई का फोन आया था। भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग चाहते ही नहीं है कि आपकी शादी दानीन से हो। कहाँ जा रहे हैं? दानीन के पास, उसको अकेला नहीं छोड़ सकता।
हम मानते हैं कि उसने ये बड़ी बेवकूफाना हरकत की है, लेकिन इस बात से अगर अलग होकर सोचा जाए तो दानियन के लिए अरीश से बेहतर और कौन हो सकता है? और फिर आपको भी तो बड़ा अरमान था दानियन को बेटी बनाने का। भाई साहब, ना हमने चाहा था ना हमारा अरमान था। हमने आपसे कहा था कि इस बच्ची को हमें दे दीजिए परवरिश करने के लिए। उस वक्त आपने इनकार कर दिया था, और अब जब बच्ची बिगड़ चुकी है आप हमें कह रहे हैं हम उसे अपने घर ले जाएं? माफ कीजिएगा फूफी साहब, दानियन बिगड़ी नहीं है। बिगड़ी नहीं है तो बिगड़ जाएगी। सादिया, ख्याल रहे कि वो भी इसी खानदान की बच्ची है। लेकिन खानदान की खातिर हम अपने पोते और अपने बेटे के खानदान की कुर्बानी नहीं दे सकते। आप अगर हमारी जगह होते भाई साहब तो क्या करते? हम गढ़े मुर्दे उखाड़ने की बजाय हाँ करते थे। गढ़े मुर्दे? भाई साहब, जिन्हें आप गढ़े मुर्दे कह रहे हैं वो हमारे वली अहद थे, वो हमारे बड़े बेटे वलीद थे। खुदा ना खास्ता मेरा ये मतलब नहीं है। हम जानते हैं आपका क्या मतलब था। हम ये भी जानते हैं कि इस खानदान ने हमारे दुख और तकलीफ की कितनी कदर है। ये क्या है? I'm sorry. सॉरी के बच्चे समझते क्या हो तुम अपने आप को? मैं समझ नहीं है तुम क्या बोलना चाहती हो। अभी समझाती हूँ। जिस खानदान पे इतराज़ है तुमने मुझसे मोहब्बत की है ना, इत्तिफाक से मैं भी उस खानदान की फर्द हूँ। हाँ तो? तो ये है कि मैं नाजिया हूँ और इरशाद शेर की बेटी हूँ। गली में चलती फिरती कोई लड़की नहीं हूँ जिससे तुम मोहब्बत करो, और वैसे भी मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगी कि वो मुझसे मोहब्बत करे मेरी इजाजत के बगैर। नाजिया, मैं तुम्हारा कजन हूँ। कजन हो या कजिन मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, खबरदार जो तुमने मेरा नाम लिया। तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद। तुम्हें रखा क्या है पसंद करने को? बेवकूफाना बातें तुम करते हो, सिवाय खानदान के नाम पे तुम्हारे पास रखा क्या ऑफर करने को? मुझे लगा तुम मुझे पसंद करती। तुम जिंदगी भर बेवकूफ रहोगे? तुम्हें किसने बताया मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ? मैं सिर्फ आजम को पसंद करती हूँ, सिर्फ आजम को। खुदा का वास्ता इस कहानी को खत्म कर दो और इस मंगनी को रोको, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। और ये बात तुम्हें पता है, जो बात करती हूँ उस पर ठान रहती हूँ, अपनी जान दे दूंगी। और फिर करते रहना मेरी लाश से शादी। दादी प्लीज, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करूंगी, प्लीज मान जाए, मना ना करें। मैं ये टैटू भी मिटवा दूंगी, बेशक जितना मर्जी दर्द हो, प्लीज मान जाए ना। देख लीजिए, पहले टैटू बनवाया और इतने पैसे खर्च किए, अब टैटू मिटाएंगी और फिर उससे ज्यादा पैसे खर्च करेंगी। पैसों की भी कोई अहमियत नहीं है इनके लिए। नहीं नहीं, है ख्याल, है कसम से, आप बेशक बुआ से पूछ ले, मुझे है ख्याल। हम किसी से नहीं पूछेंगे, हम सब जानते हैं। दादी प्लीज मान जाए, प्लीज, जो कहेंगे मैं करूंगी। दानियन उठिए, आपको हमारी कदमों में बैठना जेब नहीं देता।
आप ये सब कुछ जो कर रही हैं, इससे एक बात साबित होती है कि जो फैसला हमने किया था वो बिल्कुल सही था। हमें घुटने टेकने वाली बहू नहीं चाहिए। एक बात बताएं, आप में और है ही क्या सवाए इस खानदान के? सादिया, बहुत साल पहले नाजिया ने भी यही सवाल किया था। गजनफर, आप गवाह हैं ना? जी। आज हम वही सवाल पूछते हैं आपसे। आपकी हिम्मत कैसे हुई अरीश को पसंद करने की? कोई गली मोहल्ले में फिरने वाला लड़का है क्या? क्या लड़की का उस पे दिल आ जाए? आप हमारे खानदान की जरूर हैं, लेकिन आप अरीश के काबिल नहीं हैं। दादी साहब, तुम क्यों आए हो? वापस जाओ। बाबा, मैं सिर्फ इतना कहने आया हूं कि मैंने कहा वापस जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। से पढ़ रहे तो ठीक है, लेकिन दानी को नहीं छोड़ सकता। आई लव हर। शट अप, शट अप। तुम दुनिया में किसी से भी शादी कर सकते हो, लेकिन क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता दानी से शादी? नाजिया आंटी इसकी फुप्पो थी, मां तो नहीं थी। हाँ, हम जानते हैं, लेकिन हमने अपने दिल पे पत्थर रख के इस खानदान से नाता वापस इसलिए नहीं जोड़ा था कि हमें फिर से वही तकलीफ हो। तुम क्या चाहते? अम्मी जान इसकी शक्ल देखकर रोज वलीद भाई को याद करें। बाबा, मैं ये सब कुछ नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि दानी बेकसूर। और मैं इसको लेके कहीं और चला जाऊं। फिलहाल तो तुम मेरे साथ घर चलो। बाबा छोड़ दे मुझे। बाबा आप सही नहीं कर रहे। बाबा माजी में जो कुछ भी हुआ वो सारी बातें हम पे क्यों मुसल्लत कर रहे हैं? बाबा बाबा मुझे और दानी को अपनी जीने जिंदगी जीने का पूरा हक है। छोड़ दे, छोड़ दे बाबा। दानी, दानी बेटा, दानी बेटा, सब ठीक हो जाएगा। क्यों कर रहे हमारे साथ? मेरी जान से सब ठीक हो जाएगा मेरे बेटा, सब ठीक हो जाएगा। दादी को समझाए ना।